नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस। दोस्तों, अगर आपको अपने सैमसंग के फोन में किसी भी क्विक टॉगल को ऑन ऑफ करना हुआ तो आपको करना होता है होम पेज पे स्वैप डाउन, और आप एक्सेस कर सकते हो इस कंट्रोल सेंटर को, जहां पे आपको शो करेंगे कई सारे क्विक टॉगल जिन्हें आप वन टैप में यहां से ऑन ऑफ कर सकते हो। हालांकि आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बार बार इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करके क्विक टॉगल को ऑन ऑफ करना अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप उनमें से हो तो हम देखने वाले कि आप किस तरीके से अपने फ्रीक्वेंटली यूज क्विक टॉगल को प्लेस कर सकते हो अपने होम पेज पे, ताकि आपको किसी भी टॉगल को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल सेंटर को बार बार एक्सेस ना करना पड़े। आप सभी टॉगल को अपने होम पेज से ही ऑन ऑफ कर पाओगे बड़ी आसानी से, जैसे मैंने इस फोन में प्लेस किए हैं। आप देख पा रहे हो मैंने जो फ्रीक्वेंटली यूज है, मैं बार बार जिन्हें यूज करता हूँ, ऐसे क्विक टॉगल को मैंने प्लेस किया है। ये है 8 टॉगल्स। तो अगर आप जो भी बार बार यूज करते हो ऐसे टॉगल्स को अपने होम पेज पे प्लेस करना चाहते हो तो हम देखने वाले हैं उन्हें कैसे प्लेस करना है। सबसे पहले आपको अपने होम पेज पे एम्प्टी स्पेस रखनी होगी, तो थोड़ी स्पेस यहाँ पे रखिए। इसके बाद आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है विजेट्स में और यहाँ पे होगा मोड्स एंड रूटीन्स, उस पे टैप कीजिए। और ये जो है मल्टीपल रूटीन्स, आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है और इसे ड्रैग करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 8 क्विक टॉगल जो मैं ज्यादातर यूज करता हूं, जैसे कि मोबाइल डेटा, ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल हॉटस्पॉट, टॉर्च, स्क्रीन रोटेशन, साउंड मोड और डार्क मोड। तो आपके जो भी फ्रीक्वेंट क्विक टॉगल होंगे जिन्हें आप बार बार यूज करते हो, ऐसे किसी भी 8 टॉगल्स को आप ऐड कर सकते हो। तो आपको स्टार्ट मैन्युअली इसे सेम रखना है, देन पे टैप कीजिए। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे मोबाइल डेटा के टॉगल को, तो आपको कनेक्शंस पे टैप करना है। ये रहा मोबाइल डेटा, टैप कीजिए, ऑन डन कीजिए, फिर इसके बाद आपको करना है सेव। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी नेम दे सकते हो इस टॉगल को, इसके अलावा आप कलर भी चेंज कर सकते हो और जो क्विक टॉगल का आइकन है आप उसे भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि डेटा के लिए मैं सेट करूंगा किसी ग्लोब का आइकन, तो ये है ग्लोब का आइकन और डन। तो आप देखोगे डेटा का क्विक टॉगल ऐड हो चुका है। अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ब्लू डॉट शो करेगा, मतलब कि डेटा का जो टॉगल है ऑन कर दिया है, और आप देखोगे यहाँ पे भी डेटा ऑन हो चुका है। अगर मैं इसे ऑफ करूंगा डेटा ऑफ हो जाएगा और यहां से क्विक टॉगल भी ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से आप अब यही से ऑन ऑफ कर सकते हो अपने क्विक टॉगल को। तो सेम इसी तरीके से आपको अपने बाकी टॉगल को भी ऐड करना है, तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, रूटीन्स पे टैप कीजिए, ऐड रूटीन पे टैप कीजिए, इसके बाद आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। अब मैं ऐड करूंगा वाईफाई के टॉगल को, तो कनेक्शंस पे टैप कीजिए, अभी रहा वाईफाई, डन, सेव। आपको नेम चेंज करना है अपने हिसाब से कोई भी कलर, और फिर उसके बाद वाईफाई का आइकन यहां पे होगा, वाईफाई का आइकन, ये रहा वाईफाई का आइकन, और फिर डन। वाईफाई का टॉगल ऐड हो चुका है। अब हम करेंगे ब्लूटूथ को ऐड, तो आपको ऐड रूटीन पे टैप करना है, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, कनेक्शंस, ब्लूटूथ, डन कीजिए, सेव। आपको कोई भी नाम देना है, इसके अलावा कोई भी कलर सेट कीजिए, और बी का आइकन आपको शो करेगा यहां पे, ये रहा ब्लूटूथ के लिए बी का आइकन, डन कीजिए। अब मैं ऐड करूंगा मोबाइल हॉटस्पॉट को, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, कनेक्शंस, ये रहा मोबाइल हॉटस्पॉट, डन, सेव। कोई भी नेम दीजिए, मैं इसे करूंगा केवल हॉटस्पॉट। कलर को सेट कीजिए और यहाँ पे हॉटस्पॉट का आइकन होगा तो करिए, नहीं तो कोई भी आप आइकन सेट कर सकते हो, मैं करूंगा इस आइकन को, डन। अब मुझे ऐड करना है टॉर्च के लिए, तो ऐड रूटीन पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको देखना है अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग रूटीन होते हैं, जैसे कि टॉर्च का अगर बात करेंगे, टॉर्च होता है फंक्शन में, ये रहा टॉर्च, डन, सेव। टॉर्च के कलर को आप चेंज कर सकते हो, इसके अलावा जो इसका आइकन है यहाँ पे होगा ये टॉर्च का आइकन, ये रहा, डन कीजिए। अब ऐड करूंगा स्क्रीन रोटेशन को, तो ऐड पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, स्क्रीन रोटेशन होगा डिस्प्ले में, तो इस पे टैप कीजिए, और ये है स्क्रीन ओरिएंटेशन, टैप कीजिए। आपको इसे सेट करना है ऑटो पे, सभी को ऑन कीजिए, डन कीजिए, सेव कीजिए, नेम अपना दीजिए स्क्रीन रोटेशन या स्क्रीन रोटेट, कलर सेट कीजिए, और जो स्क्रीन रोटेशन का आइकन है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा, ये रहा, डन कीजिए। अब मैं ऐड करूंगा वाइब्रेट मोड को, तो प्लस के साइन पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, साउंड एंड वाइब्रेशन, साउंड मोड, वाइब्रेट पे कीजिए सिलेक्शन, और फिर करना है डन, सेव। यहां पे सेट कीजिए वाइब्रेट, कलर सेट कीजिए अपने हिसाब से कोई भी। वाइब्रेट के लिए यहां पे आइकन होगा, ये रहा वाइब्रेट का आइकन, ये म्यूट का है लेकिन आप यूज कर सकते हो इसे, डन कीजिए। और लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा डार्क मोड को, तो ऐड रूटीन पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए, और यहां पे होगा डिस्प्ले में डार्क मोड, ऊपर में ही है डार्क मोड,
ऑन कीजिए, डन कीजिए और यहाँ पे सेव, कोई भी कलर सेट कीजिए अपने हिसाब से, कोई भी डार्क कलर जो आपको याद रहे, डन कीजिए। और डार्क मोड के लिए यहाँ पे आइकन शो करेगा, ये रहा डार्क मोड का आइकन, सिलेक्ट कीजिए, डन कीजिए। तो मैंने जो भी अपने फ्रीक्वेंटली यूज क्विक टॉगल है उन्हें ऐड कर दिया है, आपको भी ऐसे ऐड करना है। फिर बैक जाइए, आप इसका कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से, या आपको अगर इसे करना है ट्रांसपेरेंट तो कीजिए ट्रांसपेरेंट 100%, इस तरीके से शो होंगे। फिर आपको करना है सेव पे टैप, और फिर आपको इस पर लॉन्ग टैप करना है, इसकी साइज बढ़ाना है, नीचे कीजिए तो आप देखोगे आपके सारे जो टॉगल्स है यहाँ पे शो करेंगे। अब अगर मुझे डेटा को ऑन ऑफ करना है, वाईफाई को, बीटी को, हॉटस्पॉट को, टॉर्च को, तो मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे अब यही पे टैप करना है। अगर मुझे डार्क मोड को ऑन करना है तो बस इस पे टैप कीजिए, डार्क मोड आपके फोन में ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। अगर आपको डार्क मोड को ऑफ करना है तो टैप कीजिए। इस तरीके से आप वन टैप में अब किसी भी टॉगल को बड़ी आसानी से होम पेज से ही ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा किसी भी टॉगल को चेंज करने के लिए। और अगर आप किसी भी टॉगल को ऑन करोगे तो उसके टॉप कॉर्नर में शो करेगा एक ब्लू डॉट, मतलब कि जो टॉगल है ऑन है। अगर आप उसे ऑफ करोगे तो कोई भी आइकन वहां पे शो नहीं करेगा। इस तरीके से आप किसी भी टॉगल को अब बड़ी आसानी से होम पेज से ही चेंज कर सकते हो अपने फोन में। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉगल को रिप्लेस करना हुआ या इनके ऑर्डर को चेंज करना हुआ तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है सेटिंग्स में, रूटीन्स पे टैप कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए, और जो एरो का बटन है आपको इस पे लॉन्ग टैप करके ड्रैग करना है इन्हें इस तरीके से ऊपर नीचे करने के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉगल को यहां से रिमूव करना हुआ तो आपको आइकन पे टैप करना है और करना है डिलीट। और अगर आपको ऐड करना हुआ और कई सारे टॉगल्स को तो नीचे होगा ऐड का बटन, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप यहां पे मैक्सिमम ऐड करें 8, ताकि आपके होम पेज पे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना हो और आप अपने जो फ्रीक्वेंटली यूज टॉगल्स है उन्हें यूज कर सको आसानी से अपने फोन में। दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।